सेकेंड पार्ट का पहला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लिवाइंग लैंड रेवेन्यू इन डेक्कन वॉज प्रेवलेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑफ प्लाउज द लैंड रेवेन्यू सिस्टम प्रेवलेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर इन डेक्कन वॉज नंबर ऑफ प्लाउज इसके बारे में गूगल सर्च करने की कोशिश करी उस उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ खास मिला नहीं कि वॉट एग्जैक्टली द सिस्टम इज सो आई गेस वी जस्ट हैव टू मग इट अप नेक्स्ट क्वेश्चन है तोदारमल वॉज एसोसिएटेड विथ ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर एंड ही वॉज एसोसिएटेड विथ लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स अकबर अपॉइंटेड राजा तोदारमल एज फाइनेंस मिनिस्टर एंड ख्वाजा शाह मंसूर जो थे वो तोार मल के असटेंट थे एंड इन दोनों ने मिलके के दे हैव डन द रीअसेसमेंट फॉर द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ही कैलकुलेटेड दी एवरेज प्रोड्यूस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एज वेल एज द एवरेज प्राइज प्रिविलिंग ओवर द लास्ट टेन ईयर्स जिसको हमने पहले देखा है और टाइम पीरियड था 1571 से 1580 एटी वन थर्ड ऑफ द एवरेज वॉज फिक्सड एज द लैंड रेवेन्यू फॉर द स्टेट विच वॉज कॉल्ड दहशाला सिस्टम दह मतलब दस सो so एन ए दहशाला या फिर तदारमल बंदोबस्त भी इस सिस्टम का नाम था विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन शेर शाह एंड अकबर इन लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स तो इसका आंसर है तुदारमल सिमिलर क्वेश्चन है अकबर पीरियड में लैंड रेवेन्यू सिस्टम एन ए दहशाला वॉज रिलेटेड वॉज डिवेलप बाय तोमल akbar launched uh, din-e ilahi in which year so it was 1582 akbar launched tahude ilahi or din ilahi in 1582 din-e ilahi was a uh, syncretic religion which intended to merge the best elements of all the religions of the communities indeed the prime prophet of this new sect was abdul fazl Fuzz, Abdul fazl अमंग हिंदूज ओनली बिलबुल एक्सेप्टेड दिन इलाही राजा भगवान दास एंड मान सिंह ब्लटली रिफ्यूज टू जॉइन दिने इलाही थर्टी फोर भी सेम क्वेश्चन है दिने इलाही किसने स्टार्ट किया था अकबर ने विच हिस्टोरियन सेट दिन इलाही एज अ रिलिजन तो इसका इसमें लिखा है कि दिने इलाही वॉज नॉट अ रिलिजन बट इन आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन द सूफी पैंथिज़म इसमें जो जहांगीर कंटेम्प्रेरी थे मोहसिन फनी स्टेटेड दैट दिन लाही इज़ एन इंडिपेंडेंट रिलीजन इन दिस टेक्स्ट उनके 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 जो बुक का नाम था वो है दाबिस्तान ए महाजिब सो इसमें से कोई भी नहीं था सो नन ऑफ दी अबव बस मोहसिन फ़नी का नाम याद रखिएगा और उनकी टेक्स्ट का नाम याद रखिएगा हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए नेक्स्ट है हु कंस्ट्रक्टेड इबादत खाना तो ये है अकबर सो अकबर ने इबादत खाना कंस्ट्रक्ट कराया था 1575 में इसमें बेसिकली आ, सारे जो फ़िलोसफिकल एंड थियोलॉजिकल डिस्कशंस होते थे बिटवीन उलेमा सयद एंड शेख्स इन फ्रंट ऑफ अकबर एंड लेटर ऑन 1578 में दिस डोर वाज ओपन टू ऑल अदर रिलिजन तो बाकी रिलिजन के भी जो गुरुज़ थे वो सब मिलके इबादत खाने में इकट्ठा होते थे एंड दे यूज़ टू डिस्कस ऑल द फिलोसफीज़ एंड ऑल द थियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द एंड दैट वाज बेसिकली द डिस्कशन का पॉइंट था एंड लेटर ऑन इबादत खाना लेड टू द डलरेशन ऑफ़ मज़ारनामा इन फ़िफ्टीन Mazar Nama basically put an end to the predominance of the bigot orthodox and allowed the free development of generous uh, spirit which akbar wished to encourage this document was signed by all the ulemas Mazar Nama is stated as infallibility decree by smith and uh, Wolseley so they, they basically thought ki this they thought it, it, it was not a wisdom but a foolishness on akbar's part नेक्स्ट है इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी इट वॉज बेसिकली इट वॉज द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलिजन इसमें पूछा है विच मॉन्यूमेंट इज़ नॉट एट फतेहपुर सिकरी तो देखिए अकबर ने अपना जो फोर्ट है वो कंस्ट्रक्ट कराया था थर्टी सिक्स किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आगरा एट फतेहपुर सिकरी इट टुक एट ईयर्स फॉर हिम टू बिल्ड दिस फोर्ट्स इसके अलावा सेवरल अदर बिल्डिंग्स इन गुजरात एंड बंगाल स्टाइल हैज़ बीन फाउंड इन दिस फोर्ट इसके अलावा महल पंच महल दीवाने आम दीवाने खास बिरबल की कोठी ये सब चीज़ें भी इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराई थी जो अकबर महल है ये बेसिकली फोर्ट है आगरा में और जो बाकी तीन है दैट इज़ गोल्डन पैलेस पंच महल एंड जोधा पैलेस ये फ़तेहपुर सिकरी में है बट अकबरी महल जो है वो आगरा में लोकेटेड है नेक्स्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है याद रखिएगा विच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इन डेली इज अ सिंथेसिस ऑफ पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर तो ये है हुमायूं स्टूम हुमायूं स्टूम इज़ लोकेटेड इन डेली विच वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द पैट्रनेज ऑफ हुमायूज वाइफ एंड इट वॉज डिज़ाइन बाय मिर्क मिर्ज़ा गिया द टूम वॉज इन बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द पर्शियन एंड इंडियन आर्किटेक्चर द थ्योरी ऑफ सुले कुल वॉज प्रम्युलगेटेड बाय सो इट वॉज अकबर द मेजर ऑबजेक्टिव ऑफ़ द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर वॉज यूनिवर्सल हार्मनी विच वॉज बेटर नोन है सुलेह कुल सुलेह कुल पॉलिसी अकबर फॉर्मुलेटिड द पॉलिसी ऑफ सुलेह कुल इन प्लेस ऑफ द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ही प्रोमोलीगेट न्यू सेक्ट दिन ने इलाही इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया है पहले फिफ्टीन एटी टू में सुले कुल पॉलिसी ऑफ अकबर रिफ्लेक्टेड हिज पॉलिटिकल जेनरसिटी एंड रिलीजियस टॉलरेंस एज वेल एज हिज लिबरल कल्चरल सिमिलर क्वेश्चन है द ऑफ अडॉप्टेड अकबर वॉज अ रिजल्ट ऑफ ऑफ ऑल अबव पॉलिटिकल जेनरोसिटी रिलीजियस टॉलरेंस एंड लिबरल कल्चरल एटीट्यूड नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेंस्ट विच मुग़ल एम्पर वॉज अ फतवा इशूड फ्रॉम जौनपुर सो ये थे अकबर फिफ्टीन एटी उलेमा नोन एज मुला मुला मजादी फ्रॉम जौनपुर इशूड अ फतवा अगेंस्ट द मुगल एम्पर अकबर एंड आस्ट ऑल मुस्लिम्स टू रिबेल अगेंस्ट द मुगल एम्परर अकबर विच ऑफ़ द फॉलोइंगज़ बिल्ड बाई अकबर सो इसका आंसर है बुलंद दरवाज़ा विच वन ऑफ़ द फॉलोइंग मुगल एम्पर इंट्रोड्यूस द एजुकेशनल रिफॉर्म तो इसका भी आंसर है अकबर अकबर वॉज द मुगल एम्पर जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एजुकेशनल रिफॉर्म इन द करिकुलम ऑफ लर्निंग स्पेशली जो कि सर्टन सब्जेक्ट जैसे अर्थमेटिक हो गया लॉजिकल मैंसोरेशन हो गया ज्योमेट्रिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्रीकल्चर इन सब फील्ड में उन्होंने खास ध्यान दिया था और इस पर रिफॉर्म लाने की कोशिश करी थी uh, इसके अलावा ही दो ही रिसीव नो फॉर्मल एजुकेशन ही पेट्रोनाइज्ड मैन ऑफ लर्निंग द फाइनेस्ट मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर इज़ फाउंड इन फतेहपुर सिकरी बॉक्स की इंफॉर्मेशन देखते हैं अ विलेज नेम सिकरी वाज लोकेटेड 31 किलोमीटर्स फ्रॉम अकबर द फेमस सूफी सेज शेख सलीम चिश्ती रिसाइड हियर रिसाइडेड हीयर अकबर यूज टू विजिटि सिकरी फ्रीक्वेंटली फॉर हिज ब्लेसिंग्स द फाइनेस्ट मोन्यूमेंट्स मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड बाई अकबर इज फाउंड इन दिस प्लेस इन सब के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है सारे के नाम पता है एंड यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल दीज आर द मेजर कॉम्प्लेक्स ऑफ सिकरी पर्सी ब्राउन स्टेटेड सिकरी एज द पर्ल ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग दी ड्यू टू इट्स एलिगेंस इन सारे मोन्यूमेंट्स में से जो पंचमहल था Uh, which was built by akbar was a like buddhist monastery akbar constructed various buildings at his new capital fatehpur sikri panch mahal was five story um, pavilion and built on, the patron, uh, built on the pattern of buddhist monastery which exists in very few places in india this monument style is inspired by a multi-story building of nalanda इनमें से फ़तेहपुर सिकरी में कौन सा आ, प्लेस है वो है कौन सा महल है वो है पंचमहल जहांगीर महल इज़ लोकेटेड इट इज़ लोकेटेड इन आगरा वी आर सो सॉरी जब ये पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे तो उस समय करंट का इशू था तो मोस्ट ऑफ़ द पिक्चर्स डार्क आई है सो आई विल रीड आउट ऑल द इंफॉर्मेशन अगर आपको लगे तो आप स्क्रीन मार लीजिएगा इसका जहांगीर महल इज़ लोकेटेड इन आगरा Agra Fort is the earliest example of Agbari um, style. This fort was built by Akbar. This monument was erected in the guidance of Chief Architect of Akbar, naam tha Kasim Khan. Akbar has also built more than 500 buildings in the fort by red sandstone. Jahangir Mahal is located inside of Agra Fort. This palace was constructed for Shahzada Salim by Akbar. जहांगीर पैलेस इज़ वन ऑफ द टॉप एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर विद इंट्रिकेट हिंदू एंड इस्लामिक मोटिव द आर्किटेक्चर ऑफ जहांगीर पैलेस इज इज इंस्पायर्ड बाई दैलेस ऑफ दी मान सिंह ऑफ वेयर इज द टुम्ब ऑफ अकबर लोकेटेड सो इट इज़ लोकेट इन सिकंदरा सिकंदरा एक छोटा सा विलेज है विच वॉज फाउंडेड बाय सिकंदर लोधी हमने सिकंदर लोधी हमने पहले भी देखा है जिसको अकबर ने रीनेम किया था बहिस्ताबाद के नाम से Uh, ये आगरा के आउटस्कर्ट में पड़ता है और जो टुम्ब ऑफ अकबर था इसका कंस्ट्रक्शन प्लान ऑलरेडी अकबर बना के गए थे और इसको कंप्लीट कराया था उनके बेटे जहांगीर ने सिक्सटीन थर्टीन को दिस मेमो टूम हैज़ फाइव फ्लोर्स एंड द बिल्डिंग इज़ अ फोर टीयर पिरामिड सराउंडेड बाय अ मार्बल पवेलियन द स्पेशलिटी ऑफ दिनिटॉप इज इट्स डोमलेस स्क्वेयर एपिक्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग फोर्ट वॉज नॉट कंस्ट्रक्टेड इन द रेन ऑफ अकबर तो ये है रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली बिकॉज जो लाल किला था वो अकबर ने नहीं बनाया था शाहजहाँ ने बनाया था इट इज़ फेमस एज रेड फोर्ट एज़ इट कंस्ट्रक्टेड विद द टेट्रागॉन रेड सैंड स्टोन इट्स कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड इन सिक्सटीन फोर्टी एट वाइल आगरा फोर्ट इलाहाबाद इलाहाबाद फोर्ट एंड लाहौर फोर्ट विच वॉज बिल्ड इन द रेन ऑफ अकबर ये सारे नाम आप ध्यान रखिएगा कि जो लाल किला है बस उसको शाहजहां ने शाहजहां ने बनवाया था बाकी जो आगरा का किला है इलाहाबाद का और लाहौर वाला किला इसको अकबर ने बनवाया था इसमें मैच करना है एम्पर के नाम दिए हैं और उन, उनके टूम की लोकेशन तो अगर हम अकबर को सिकंदरा से मैच करते हैं बी इज़ इक्वल टू फोर तो हम राइट ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे तो जो बाबर का जो टूम है वो काबुल में लोकेटेड है अकबर uh, का जो है वो सिकंदरा में जहांगीर का लाहौर में एंड शाहजहां का आगरा में द ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इन टू पर्शियन इन द टाइम ऑफ अकबर वॉज कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ तो इट वॉज इस चीज़ को सुपरवाइज किया था फैजी ने सो so बेसिकली जो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था उसका जो सुपरविज़न था वो फैजी के हाथ में था बट जो जो ट्रांसलेशन है वो जॉइंट एफ़र्ट था नकीब खान का बदौनी एंड अबू फज़ल का हमने पीपीटी में सिर्फ बदौनी का नाम लिखा हुआ है वी आर सॉरी फॉर दैट बट इसमें नकीब ख़ान बदौनी एंड अबू फज़ल के कम्बाइन एफ़र्ट से ये ट्रांसलेशन हुआ था अंडर द सुपरविज़न ऑफ फैज़ी हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड महाभारत इन पर्शियन तो ये है अब, अब्दुल कादिर बदौनी दी महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड इन टू परशियन लैंग्वेज ऑन दी ऑर्डर ऑफ अकबर बाय फैजी अबू कद अबू कदर अब अबू कादिर बदौनी विच वॉज नेम्ब एज सो बेसिकली जो जो महाभारत को ट्रांसलेट किया था उसको रीनेम किया गया रज्म नामा के नाम से जिसका नाम जिसका मतलब होता है बुक ऑफ वॉर्स यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछा है पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इज़ टाइटल्ड एज रज्म नामा नेक्स्ट है द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत वॉज डन इन सिक्सटीन सेंचुरी वॉज कॉल्ड रज़म 58 फिफ्टी एट भी सिमिलर क्वेश्चन है जिसका आंसर है बदौनी हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड अगेन बदौनी हु रोड तबाकत अकबरी तबाकत अकबरी वॉज रिटन बाय निज़ामुद्दीन अहमद तबाकत अकबरी वॉज ऑल्सो नोन एज तारिक निज़ामी एंड इट वॉज रिटर्न बाय ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद नेक्स्ट डे हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज अवार विद द ऑनर ऑफ़ जरी कलाम बाय अकबर सो मोहम्मद हुसैन फ्रॉम काश्मीर ही वॉज फ्रॉम काश्मीर एंड ही वॉज वन ऑफ द राइटर इन अकबर कोर्ट हु वॉज अडोन विद द ऑनर ऑफ़ जरी कलाम जरी कलाम जरी कलम बाय किंग अकबर द जैन मॉन्ग स्टेड फॉर फ्यू इयर्स इन द कोर्ट ऑफ अकबर एंड वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ जगत गुरु उनका नाम क्या था उनका नाम था हरि विजय सूरी Hari Vijay Suri was a Jain monk who stayed for few years in the court of Akbar and was honored with the title Jagadguru. Emperor Akbar invited Hari Vijay Suri to explain the principles of Jainism. Uh, Akbar was so much influenced by the ideology of non violence preached by Jain sage that he became vegetarian and prohibited slaughter of animals and birds. Another Jain scholar who resided in Mughal court was Jin uh, Chandrasuri, bestowed with the title. Uh, युग प्रधान बाय अकबर सो so, युग प्रधान जो थे वो है जिन चंद्र सूरी एंड जो जगत गुरु है वो है विजय सूरी हरि विजय सूरी नेक्स्ट है फेमस जैन स्कॉलर हु वाज रिस्पेक्टेड बाय अकबर तो सेम आंसर सेम है हरि विजय सूरी नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस पेंटर ऑफ मुगल एम्पर अकबर इनमें से जिसका नाम दिया हुआ है वो है दसवंत सो so, देखिए देवर फिफ्टीन आउटस्टैंडिंग पेंटर्स अकबर के समय पे सबके नाम याद करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है एग्जाम तक शायद आप भूल जाएंगे तो आप बस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है उस उसको उसका नाम हम याद रखने की कोशिश करते हैं सो so, दसवंत जो थे ही वॉज द सन ऑफ पॉटर इम्प्रेस्ड अकबर वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाई हिज स्किल्स और जिसके कारण ये काफ़ी फेमस भी हो गए थे अनफॉर्चुनेटली ही वॉज एट दी हाइट ऑफ दिस ग्लोरी एंड ही बिकेम इनसेन एंड कमिटेड सुसाइड जसवंत एंड दसावं फेमस पेंटर किसके कोर्ट में थे तो ये हैं अकबर इंडियन रूलर कंटेम्प्रेरी टू तो क्वीन एलिजाबेथ वन ऑफ इंग्लैंड तो ये हैं अकबर The Indian ruler contemporary of Queen Elizabeth I of England was Akbar. It was notable that on the occasion of the establishment of East India Company in 1600, Elizabeth was the Empress of England. India had the reign of Akbar during that period. Uh, so Akbar's period was 1556 1605. And the tenure of Elizabeth I was 1558 1603. So almost, almost contemporary. Dono. The medieval Indian writer who refers to the discovery of America is abu fazl is the medieval writer who refers the discovery of america first englishman visited Akbar's court was ralph fitch uh, 1583 say 91 may he was the first english merchant who visited agra and fatehpur sikri he observed various places of india by traveling and presented, uh, pre, um, presented precious narrative about indian trade point and uh, township centers of 16th century अरेंज द फॉलोइंगस अकबर रजीम इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखिए ऑर्डर में ही आंसर है वन टू थ्री फोर सो अबोलिशन ऑफ जजिया कंस्ट्रक्शन ऑफ इबादत खाना उसके बाद सिंगिंग ऑफ मज़ार एंड देन फाउंडेशन ऑफ दिन इलाहे अकबर अबोलिश जजिया इन फिफ्टीन सिक्सटी फ़ोर इबादत खाना बना फ़िफ्टीन सेवेंटी फाइव हमने ऊपर देखा है इसके बाद में जो नेक्स्ट uh, है द डेक्लेन ऑफ मज़ारनामा वॉज हेल्ड इन फिफ्टीन शेख मुबारक द फादर ऑफ दबू फजल एंड लेटर ऑन जो दिन इलाही था वो फाउंड फाउंड किया था इन्होंने रिलीजियस हार्मनी के लिए फिफ्टीन एटी टू में लास्ट क्वेश्चन है अकबर मर्स्ट बंगाल एंड बिहार इन हिज एम्पायर कौन से ईयर में हुआ था तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फिफ्टीन सेवनटी सिक्स ए डी में बॉक्स की इंफॉर्मेशन देखते हैं दौद खान सक्सीडेड हिज फादर सुलेमान करानी इन 1572. After his death, Daud Khan invaded Patna Mughal fort after declared himself as an independent ruler. Then Akbar ordered uh, Munim Khan ko to suppress this revolt and occupy Bihar. Munim Khan defeated Daud Khan in the battle and annexed Bihar in 1574. Daud fled away to Bengal after his defeat. On March 12, uh, 1576, Sudarmal, Muzaffar Khan and हुसैन कली खान जॉइंटली डिफीटेड दाउद दस अकबर मर्ज बंगाल एंड बिहार इन इज एम्पायर इन 1576 ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है नेक्स्ट चैप्टर है जहांगीर जिसको हम कोशिश करेंगे कि कल तक हम अपलोड कर दें टिल देन कीप रिवाइजिंग कीप लर्निंग जय हिंद